हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर नेम्ड एज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ द न्यू प्लांट इज रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ओल्ड प्लांट। सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आप किसी भी पेरेंट्स से किसी भी नई एंटिटी को जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज योर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, दो टाइप के पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है आपका वेजिटेटिव पार्ट, एक आपका होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट आपका क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आपके प्लांट में रूट आती है, स्टेम आता है और लीव्स आती हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके प्लांट के फ्लावर्स आते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, रूट, स्टेम और लीव, जहां से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है बेटा, फ्लावर्स होते हैं। आगे हम देखते हैं, प्लांट्स के अंदर मेनली दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पहला आपका होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्या कहता है, एसेक्सुअल मतलब कि जिसके अंदर बिना सीड की हेल्प के ही क्या हो जाए, चीजें आपकी प्रोड्यूस हो जाए, नया एंटिटी आपका बन जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल। और जिसके अंदर आपको किसी सीड की नीड हो और उस सीड की हेल्प से ही आपका नया एंटिटी बन पाता है, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है बच्चों, वो प्लांट्स जिसके अंदर आपको सीड की नीड नहीं होती है, वो सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आते हैं। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होते हैं, सारे जो भी पार्ट्स हैं इन सब की बात हम डिटेल में यहाँ करते जाएंगे। तो इन दिस मेथड न्यू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, इन दिस मेथड न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से ही आप न्यू प्लांट को बना सकते हो। उसके क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा, रूट होती है, स्टेम होता है और लीफ होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि एसेक्सुअल है, सीड की नीड नहीं होती है। अगर हम बात करें रोज प्लांट की या मनी प्लांट की, अगर आप उसकी एक प्लांट एक स्टेम को भी कट करके सॉइल में ग्रो कर दो या वाटर में ग्रो कर दो और उसको प्रॉपर पानी देते रहोगे, तो वो आपका नया क्या करेगा, प्लांट को जनरेट कर देता है। जैसे पोटैटो की बात करते हैं, आप अपने घर में पोटैटो देखते हो, उनके ऊपर बर्ड्स आ जाते हैं, छोटे छोटे से पार्ट आ जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अगर ऐसा होने के बाद, इन बर्ड्स को हम आई बोलते हैं, पोटैटो की आई, अगर पोटैटो के आई के साथ में कट करके आप ग्रो कर दो तो वहां से भी आपका प्लांट नया जनरेट हो जाते हैं। अगर जिंजर की बात करते हैं तो जिंजर भी आपका नया जनरेट हो जाता है। एक प्लांट होता है इन सबके, तो आपका फ्रूट के ऊपर आपकी ये बर्ड्स आते हैं। लेकिन ब्रायोफिला इज ए प्लांट इन विच बर्ड्स इन द लीफ, लीफ के ऊपर बर्ड्स होती हैं। अब जहां पर बर्ड है उसी चीज को तो आप कट करके ग्रो करोगे, तो ब्रायोफिलम जो प्लांट है इसकी, अगर आप लीफ को, वो लीफ जिसके ऊपर बर्ड प्रेजेंट है, अगर आप उसको कट करके सोइल के अंदर ग्रो करते हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाता है बेटा, नया प्लांट बन जाता है। कैक्टस की बात करते हैं, कैक्टस एक प्लांट है जिसके पार्ट को भी अगर आप ग्रो करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नया प्लांट जनरेट हो जाता है। ये सारा, ये कैक्टस है, पोटैटो, मनी प्लांट, रोज, जिंजर और ब्रायोफिलम, ये सब हमारे जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा वो सब की बात करी है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, अगली क्लास में हम बडिंग देखेंगे और स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन देखेंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस।